हे गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हो या फिर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो या फिर अभी आपने अपना चैनल क्रिएट किया है तो इसमें कुछ सेटिंग होती है जिसको आपको करके रखना चाहिए। तो इसमें जैसे कि आपके सब्सक्राइबर कम हैं और आपके व्यूज़ कम आ रहे हो तो इसमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो आप सबसे पहले चेक करते हो कि उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, और अगर उसके सब्सक्राइबर अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं सब्सक्राइबर, तो मोस्टली उसकी वीडियो लोग देखते हैं, और जिसके सब्सक्राइबर कम होते हैं उसकी वीडियो को लोग स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो इसमें मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको आपका सब्सक्राइबर हमेशा हाइड करके रखना चाहिए अगर आप नए यूट्यूबर हो तो, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर नहीं होंगे ज़्यादा, अगर आप अच्छी कंटेंट भी डालते हो तो भी लोग जल्दी नहीं देखते हैं क्योंकि लगता है उन्हें कि सब्सक्राइबर कम है, या तो आप नए हो या तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको आपका जो सब्सक्राइबर है उसको हाइड करके रखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कैसे कर सकते हैं, और इसके आगे दो सेटिंग और है वो मैं बताऊंगा। पहले आप ये देख लो कि इसमें कैसे हाइड कर सकते हैं सब्सक्राइबर को। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और यहाँ से हम ओपन करते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र पर हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे यूट्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है YouTube एनालिटिक्स का, तो इसको ओपन करके अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने चैनल पे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें नीचे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पे जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पे चैनल पे। ओके, चैनल पे हमें आने के बाद इधर हमें एडवांस सेटिंग पे जाएंगे। एडवांस सेटिंग पे आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे दिख रहा है सब्सक्राइबर काउंट। ओके, तो यहाँ पे अभी मेरा डिजेबल है। ओके, यहाँ पे डिजेबल द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो अगर हम इस पर अनक्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी हमारा जो सब्सक्राइबर है वो हाइड हो चुका है, और यहाँ से हम अगर सेव कर देंगे तो हमारा जो सब्सक्राइबर है वो किसी को नहीं दिखेगा। और अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे तो हमारा चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें हाइड करना है। हमने कर दिया सेव। अब यहाँ से आप देख सकते हो जाके कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है वो इस चैनल का शो नहीं होगा। सो गाइस, अब हम चलते हैं दूसरे सेटिंग की तरफ। तो दूसरा सेटिंग है हमारा कीवर्ड। आपने देखा होगा गाइस, अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके उस आपके सर्च से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपके उसमें आ जाता है नीचे। तो आप उसमें ये वीडियो कैसे आती है वो लोग कीवर्ड भी उस तरह के ही डालते हैं ताकि आप कुछ सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड होते हैं उनके वीडियोस में कीवर्ड, तो वो आपको दिखा देता है, शो कर जाता है आपके फ़ोन में। यूट्यूब पे आप अगर कुछ भी सर्च मारते हो तो उसके नीचे, तो अब हम देखेंगे कि कीवर्ड वीडियो में कहाँ से डालते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं दूसरे सेटिंग की ओर। सो गाइस, हमने अपना प्रोफाइल ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हमें फिर से जाना है यहाँ सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग से हमें दोबारा जाना है चैनल पे। चैनल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो ये हमने इंडिया यहाँ पे कर रखा है, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कीवर्ड। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम मेंशन कर रखा है। आप मोस्टली चाहे तो आप चैनल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दें, या कुछ रिलेटेड अपने चैनल से ही जो लोग सर्च मारते हैं, जैसे मैंने रख रखा है टैग फिगर, टैग फिगर्स ऐसे करके टेक्नोलॉजी फिगर, तो आपके चैनल से रिलेटेड जितने भी नाम हैं आप चाहते हैं तो वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। और सेम यही ऑप्शन आता है आपको वीडियो अपलोड करते समय, तो वहाँ पे भी आप उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नाम आते हैं आप वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये सब कर रखा, उसके बाद मैंने सेव कर दिया। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेटिंग पर, और ये लास्ट सेटिंग है, ठीक है। तो ये सेटिंग है हमारा लाइक डिसलाइक का, ठीक है। तो मोस्टली लोगों को लाइक ही मिलते हैं, डिसलाइक बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई वीडियो लोगों को पसंद नहीं आई और वो आपकी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं तो इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि अपने डिसलाइक को हाइड कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेटिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाना होगा वाईटी स्टूडियो पर, ठीक है। तो ये वाईटी स्टूडियो पर आने के बाद हमने इस वीडियो पे क्लिक करा, और यहाँ से हम चलते हैं एडिट में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है यूज़र कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, तो इसको हमें करना है ऑफ और यहाँ से हमें कर देना है सेव। अब हमने इसे सेव कर दिया, अब हमारा जो वीडियो का वो होगा कोई भी हमारी रेटिंग को नहीं देख पाएगा लाइक डिसलाइक का। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी 3 सेटिंग जो मोस्टली नए यूज़र को करना चाहिए। तो कैसे लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताना, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।